हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का आपका ये चौथा वीडियो होगा। इसके पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आप मेरे चैनल पर मैथ्स के वीडियो ज़रूर देखिए, और टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे, तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? तो देखिए भाई, ए 18 दिनों में कर रहा है, बी 24 दिनों में कर रहा है, सी 36 दिनों में कर रहा है। तो 18, 24, 36 का एलसीएम आया 72। भाग करने पर इनकी क्षमताएँ 4, 3, 2 आ गई। अब ये कैसे निकालते हैं इसको आप बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब आगे देखिए, कहा है कि यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करते हैं, मतलब जब तक काम चलेगा आपका ए जो होगा वो लगा रहेगा। एक दिन बी उसकी सहायता करेगा, दूसरे दिन सी उसकी सहायता करेगा। तो भाई पहले दिन जैसे ए के साथ बी आया, तो 7 काम ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। उसी तरीके से दूसरे दिन जब ए के साथ सी आएगा, तो ए की क्षमता 4 है, बी सी की क्षमता 2 है, तो 6 की क्षमता से काम होगा। तो कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7, 6, 13 13 काम 2 दिन में हो रहे हैं। आपको 72 काम कराने हैं, तो 13 को देखिए ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करिए कि 72 हो जाए, तो नहीं होगा। तो आप 72 के आसपास जाइए, तो 13 बचे 65, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कराइए। कुल मिला के 65 काम करने में 10 दिन आपके लग जाएंगे। अब आपके 72 में से 65 काम हो गए, तो बचा काम कितना? 7 काम बच गया। इस 7 काम को कौन करेगा? फिर से आप पहले वाले दिन पे आ जाइए, तो ए प्लस बी मिलके करेंगे 7 काम। उनकी क्षमता कितनी है? 7। तो 7 काम 7 क्षमता से अगर करेंगे तो उनको कितना समय लगेगा? 1 दिन का समय लगेगा। अगर आपसे पूछा गया है कुल कार्य कितने दिनों में होगा, तो 10 दिन तो आपको ऑलरेडी लग चुके थे, 1 दिन आपका और लग गया, तो आपको कुल 11 दिन लगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी और ए मिलकर उसे 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी और सी साथ मिलकर कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए, ए प्लस बी 30 दिनों में, बी प्लस सी 36 दिनों में, सी प्लस ए 45 दिनों में कर रहे हैं। उसी तरीके से एलसीएम निकाला 180, क्षमता इनकी ये निकाली। अब आपको कराना है ए प्लस बी प्लस सी से ये काम कराना है। तो इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो जब जोड़ेंगे तो आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, वहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। और इनकी क्षमता कितनी है? 6 प्लस 5 प्लस 4, मतलब 15। और यहाँ पे जो 2 कॉमन होगा वो नीचे आ जाएगा, तो इनकी सबकी मिला करके क्षमता हो गई 15/2। 15/2 की क्षमता से कितना काम आपको कराना है? 180 काम कराना है। तो बस भाग कर दीजिए, मल्टीप्लाई ऊपर 2 चला जाएगा, यहाँ पे 12 × 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, 3 महिलाएँ उसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि 12 लड़के 8 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया और 2 लड़के शामिल हो गए, शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का काम निकालना है। तो अगर 4 पुरुष दोस्तों 8 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष कन्फर्म है कि वो ज़्यादा दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 दिन में। उसी तरीके से आप महिलाओं के दिन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 48 दिन में एक महिला करेगी, और जो लड़के होंगे वो 96 दिन में एक लड़का 96 दिन में काम करेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चली। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, तो 72, 48, 96 का एलसीएम 96 ही आएगा। आप इन्हें डिवाइड करके 3, 2, 1 इनकी क्षमता निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया। तो भाई हमको पुरुष, महिला और लड़कों से काम स्टार्ट कराना है। तो 3 पुरुष को लगाए, 4 महिलाओं को लगाया, 5 लड़कों को लगाया, इन 3 दिन इनसे काम कराना है। तो अगर
एक पुरुष की क्षमता तीन है, तो तीन पुरुष किस क्षमता से काम करेंगे? नौ की क्षमता से। उसी तरीके से चार पुरुष कितनी क्षमता से काम करेंगे? आठ की क्षमता से, क्योंकि एक पुरुष की क्षमता, सॉरी एक महिला की क्षमता दो है। और एक लड़के की क्षमता एक है, तो पांच लड़के पांच की क्षमता से काम करेंगे। तो नौ आठ सत्रह पाँच बाईस, बाईस की क्षमता से तीन दिन काम होगा, एक दिन में बाईस काम होंगे, तो तीन दिन में छाछठ काम समाप्त हो जाएंगे। बचेगा काम कितना? बचेगा भाई छियानवे से छाछठ घटाने पर तीस, तीस काम बचेगा। अब इस काम में कंडीशन उन्होंने ये दे दी है कि पुरुषों ने तो कार्य छोड़ दिया, महिलाएं सेम टू सेम थी, लेकिन दो लड़के और आ गए। तो भाई महिलाएं आपकी चार पहले भी थी, चार अभी भी रहेंगी, लड़के पांच थे, दो और आ गए, तो सात हो गए। तो भाई चार महिलाओं की क्षमता आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? एक महिला की क्षमता दो थी, तो चार महिला की क्षमता आठ हो जाएगी। एक लड़के की क्षमता एक थी, तो सात लड़कों की क्षमता सात हो जाएगी। तो कुल मिला के अब जो क्षमता होगी वो सात सात चौदह पंद्रह, पंद्रह की क्षमता से शेष बचा हुआ काम कराना है, और शेष बचा हुआ काम आपका तीस है। इस तीस काम को पंद्रह की क्षमता से करा जाएगा तो दो दिन का समय लग जाएगा। आपसे यही पूछा है कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य जो तीस था वो कितने दिनों में समाप्त हुआ? वो दो दिन में समाप्त हो गया, तो आपका आंसर दो दिन हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। 16 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में, 12 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में, जबकि 20 लड़के इसे 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं और 10 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू करा, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों और महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, तो ज्ञात करें कि 3/4 दिन में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और लड़कों की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं करना है, पहले एक पुरुष एक महिला एक लड़के का काम निकालना है गुणा करके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 16 पंचे 80 और आपका 12 अट्ठे 96 और 6 दुनिया 120 आ जाएगा। एलसीएम आपने 480 ले लिया, 480 एलसीएम लेने के बाद क्षमता 6 5 4 इनकी आ गई। ठीक है, आप देखें क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 पुरुष 6 महिलाएं 10 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 3 दिन कार्य किया। तो भाई 5 महिला पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 6, तो 5 की 30, फिर 6 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 5, तो 5 की 6 की क्षमता 30। इसी तरीके से 4 लड़के का, सॉरी 10 लड़के काम कर रहे हैं, एक लड़के की क्षमता अगर 4 है तो 10 की 40 हो जाए। तो सबको जोड़िए ज़रा, 30 30 60 40 100, 100 की क्षमता से 3 दिन काम होगा, मतलब एक दिन 100 काम, तो 3 दिन 300 काम हो जाएगा। 480 में से 300 काम खत्म, बचा कितना? 180। अब इस 180 काम को कौन कराएगा? कंडीशन दी है कि महिलाएं और पुरुष ने कार्य छोड़ दिया और आपको 3/4 दिन में इस कार्य को कराना है। आपको बताइए कि कितने लड़के और ज़रूरत पड़ेंगे इस कार्य को करने के लिए, जबकि 10 लड़के हमारे पास हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे n लड़के चाहिए। अब वो n लड़के किस क्षमता से काम करेंगे? उनकी एक लड़के की क्षमता अगर 4 है तो n लड़के 4 n की क्षमता से काम करेंगे। क्षमता में अगर समय का गुणा कर देते हो तो कुल कार्य आ जाता है, तो समय आपका 3/4 दिया गया है और आपको शेष कार्य 180 कराना है। बस यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4, ये आपका ये 4 कट गया, n की वैल्यू यहाँ पे 3 से 60 आ गई, तो n की वैल्यू आपकी 60 आ गई। कुल मिला के शेष कार्य जो 180 है वो 3/4 दिन में अगर करेंगे तो आपके 60 लड़के कर डालेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें कितने और लड़के चाहिए, 10 लड़के आपके पास एक्स्ट्रा थे और इस पूरे काम को 60 लड़के कर रहे हैं, तो हमें कितने लड़के एक्स्ट्रा चाहिए? 50 लड़के एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये तो 60 कर रहे हैं, 10 हमारे पास ऑलरेडी थे, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 50 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक पुरुष एक महिला एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 3 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला को कितने लड़के सहायता करेंगे कि कार्य 1/4 दिन में हो जाए? सिंपल है भाई, एक महिला 3 दिन में, एक पुरुष 3 दिन में, एक महिला 4 दिन में, एक लड़का 12 दिन में। सबका एलसीएम लिया तो कुल 12 आया, 4 3 1 इनकी क्षमता आ गई। अब देखिए उन्होंने कहा है कि एक पुरुष एक महिला की कितने लड़के सहायता करें, तो मैंने मान लिया n लड़के सहायता करें और समय से गुणा किया, 1/4 दिया गया है, वो काम 12 कराना है। तो यहाँ पे देखिए, एक पुरुष की क्षमता 4 है, एक महिला की क्षमता 3 है, तो 4 3 7, तो 7 प्लस
एन लड़कों की क्षमता कितनी होगी, अगर एक लड़के की क्षमता एक है तो एन लड़कों की क्षमता एन हो जाएगी, और बराबर एक बटे चार और बराबर 12, बस यही तो करना है। तो आप इसको क्या करिए, 12 चौक 48 कर लीजिए, तो समीकरण आपकी बनेगी 7 प्लस का एन बराबर 48, यही बनेगी। यहाँ पे एन बी मैंने क्यों लिखा है, बी की वैल्यू आपको 1 रखनी है, तो एन बराबर 48 और इधर 7 माइनस हो जाएगा तो 41, तो कुल मिला के 41 लड़के अगर सहायता करेंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आइए, कह रहे हैं कि ए 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में, बी उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 4 दिन प्रतिदिन करते हुए 22 सही 1/2 दिनों में करता है। तो कह रहे हैं यदि वह एक साथ मिलकर 9 घंटे कार्य करें तो कार्य कितनों दिनों में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा आप इसे। इन्होंने कहा है कि ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 6 सही 2/3 दिन में करता। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डेली 2 घंटे काम करो और 18 दिन बाद मुझे बताओ कि कितने घंटे आपने काम कर डाले हैं, तो आप कुछ बिना सोचे हुए कहोगे 18 दिन 36, 36 घंटे मैंने काम किया है। इसमें कह दिया है कि 9 घंटे काम करता है प्रतिदिन ए और 6 सही 2/3 दिन तक काम करता है, तो 6 सही 2/3 दिन का मतलब क्या हुआ, 36 18 2 20 20/3 दिन, और प्रत्येक दिन वो 9 घंटे काम करता है तो 3 * 9 = 20 * 3 = 60, वो 60 घंटे काम करता है। तो कुल मिला के आपको सबके घंटे निकाल लेने हैं। इसी तरीके से ए 60 घंटे काम करेगा, बी का आप निकालोगे तो बी का निकालने के लिए क्या करोगे, 15 दिनों में करता है 15 * 120, और सी उसी कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन करके 22 सही 1/2 मतलब 45/2 * 4 तो मतलब 90, तो 90 घंटे में करता है। अब आपका इसका एलसीएम आ गया 360, तो आप डिवाइड करोगे तो 6 3 और ये 4, ये क्या आया, क्षमता आ गई इनकी, वो भी घंटे के हिसाब से 13 घंटे कुल मिला के उनकी क्षमता है। अब इस 360 काम को करेंगे 13 की क्षमता, लेकिन एक बात देखिए लास्ट में उसने क्या पूछा है आपसे, उस बात को ध्यान दीजिए। यदि वह एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करें, देखिए 360/13 ये आपका घंटे में है, आपको आंसर दिन में चाहिए, तो घंटे को दिन में चेंज करने के लिए आप 24 से डिवाइड करते हो। 24 से डिवाइड तब करते हो जब आप पूरे दिन को यूज करें, लेकिन उसने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि प्रतिदिन 9 घंटे ही कार्य करेंगे हम, मतलब मिलके, तो आपको 24 से डिवाइड ना करके 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दिन आपका 24 घंटे का नहीं है, दिन आपका 9 घंटे से मतलब है, क्योंकि 9 घंटे ही मिलके काम कर रहे हो। तो भाई 360/13 डिवाइड करोगे 9 से, तो या फिर 1/9 से मल्टीप्लाई समझिए, तो यहाँ पे ये देखिए आ गया, तो 9 * 36 = 40/13 आया, जिसका आंसर 3 सही 1/13 दिन आ जाएगा, घंटे में नहीं दिन में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेन आपको सार ये समझना है कि पहले सबको घंटे में निकाल लेना है, फिर उसको आपको दिन में चेंज करना है, लेकिन दिन में चेंज करने के लिए 24 से डिवाइड ना करके जितने घंटे प्रतिदिन काम करे उससे ही डिवाइड करना है, बात को समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, एक क्वेश्चन और मैं इस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा हुआ है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के किसी कार्य को 96 घंटों में कर सकते हैं, 2 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को 80 घंटे में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को 120 घंटे में कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई किताबों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये समीकरण वाला क्वेश्चन है कि एक पुरुष 3 महिला 4 बॉय मिलकर के 96 घंटे में कर रहे हैं, उसी तरीके से 2 पुरुष 8 लड़के 80 घंटे में कर रहे हैं, 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर 120 घंटे में कर रही हैं। तो भाई इनका हमने एलसीएम निकाला और सबको डिवाइड करके ये क्षमता निकाल ली। अब हमसे पूछा गया है कि 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो अगर हम मुझे एक पुरुष की क्षमता पता चल जाए
और एक लड़के की क्षमता पता चल जाए तो हम 5 पुरुष की क्षमता और 12 लड़कों की क्षमता निकाल करके जोड़ करके 480 से भाग कर देंगे, दिन निकल आएंगे। बस यही क्वेश्चन है। तो अब हमको यहाँ पे गणित लगानी है कि हमको एक पुरुष की क्षमता कैसे निकालनी है। तो ज़रा ध्यान से देखिए मेरे मित्रों, आप देख रहे होंगे कि एक समीकरण आपको दी गई है, पहली वाली 1m प्लस 3w प्लस 4b और दूसरी दी गई है 2m प्लस का 8b। अगर 2m प्लस 8b वाली से आप 2 कॉमन ले लो, इस वाली समीकरण से 2 कॉमन ले लो, तो आपका बचेगा m प्लस का 4b और ये बराबर आ जाएगा 6/2 मतलब 3। तो m प्लस 4b की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 3। तो क्या पहले वाली समीकरण में m प्लस 4b की जगह 3 नहीं रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो, तो रख दो, काहे का वेट कर रहे हो भाई। तो यहाँ पे बचेगा केवल 3w और इसकी जगह पूरे की जगह आपको 3 रखना है, आपने 3 रख दिया, बराबर 5 है। तो यहाँ से 3w की वैल्यू कितनी आ गई? ये 5 में 3 घटेगा जाके, तो 2/3। तो w की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई, मतलब एक महिला की क्षमता 2/3 आ गई। अब इस किसी भी समीकरण में w की वैल्यू रखो भाई। तो तीसरी वाली समीकरण में अगर w की वैल्यू आप रख रहे हो 2/3, तो आप 2/3 देखो यहाँ पे रखोगे, 3 कट जाएगा, तो बनेगा 2m प्लस का 2/4। तो यहाँ से अगर m की वैल्यू आप निकालोगे तो ये वाला 2 4 में घट जाएगा जाके, तो 2, और ये वाला 2 2 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू तो 1 आ गई। अब देखिए, आपने एक पुरुष की क्षमता निकाल ली, आप एक पलड़ा आपने भारी हो गया, आपका एक काम आपने कर डाला, बस आपको अब एक लड़के की क्षमता निकालनी है। तो इस m की वैल्यू अगर मैं इस वाले में रख दूं, दूसरे वाले में 2m प्लस का 8b वाले में, तो वहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 और m की वैल्यू 1 रखी प्लस 8b और बराबर वो कितने के? 6 के। तो यहाँ से 8b बराबर कितना आ गया? 6 - 2 = 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 4/8 मतलब 1/2। तो आ गया, अब सिस्टम पता चल गया। एक मैन की क्षमता आपको 1 पता चल गई, एक बॉय की क्षमता 1/2 पता चल गई। अब आपको काम किससे कराना है? काम आपको कराना है 5 पुरुष, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, और 12 लड़कों, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 6 आएगा। तो 6 + 5 = 11, दोनों की मिला के क्षमता कितनी आ जाएगी? 11। तो इस 480 जो टोटल काम था उसको 11 की क्षमता से आप कराइएगा, तो आपका 480/11 43.7/11 घंटे आंसर आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है पर अच्छा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, कार्य और क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, कार्य आपका कुल कितना कैसे निकालते हो? दिन इंटू क्षमता। बस इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट मैंने लिख दिया, उसे ध्यान रखिएगा, जिसके दिन दिए गए हों उसी की क्षमता लेनी है आपको। आप क्वेश्चन पे आइए, कह रहे ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 2:5:3 है, एक साथ कार्य करने पर वो तीनों 27 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, ए बी सी की क्षमता 2:5:3 के रेशियो में दी गई है, उन्होंने कहा है तीनों मिलकर 27 दिनों में कर रहे हैं। तो कुल कार्य यहाँ से आपको निकालने के लिए, कुल कार्य कैसे निकालते हैं? क्षमता इंटू दिन। तो क्षमता, दिन आपको तीनों के दिए गए हैं तो क्षमता भी तीनों की लेनी है। तो तीनों के दिन कितने दिए हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 27 दिन में। तो तीनों की क्षमता 5 + 2 = 7 = 3 = 10 है, तो आपस में गुणा करिए तो कुल कार्य कितना निकल आया? कुल कार्य निकल आया 270। अब इन्होंने कहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो कुल कार्य है आपका 270, इसका 4/9 भाग कितना होगा? गुणा कर दीजिए तो 120 आएगा। अब इस 120 वाले कार्य को किससे कराना है? अब बताइए, आपको कराना है बी प्लस सी से। तो बी प्लस सी की क्षमता मिला के कितनी हो गई? 8। तो 8 से डिवाइड करिए तो 15 आ गया आंसर, हो गया क्वेश्चन 15, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, कह रहे हैं कि ए बी और सी की क्षमता का अनुपात दिया है, एक साथ कार्य करने पर वे तीनों इस कार्य को 25 दिनों में समाप्त करते हैं, कह रहे हैं ए और सी दोनों मिलकर कार्य के 35% भाग को कितने दिनों में करेंगे? सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए बी सी की क्षमता 4, 5, 3, कार्य टोटल निकालने के लिए पहले देखें किसके दिन दिए गए हैं। तो तीनों उस कार्य को 25 दिनों में कर रहे हैं, तो 25 दिन आपके तीनों के हैं, तो तीनों की क्षमता है 12, गुणा करेंगे तो 300 टोटल काम आएगा।
अब 300 के 35% कार्य को पहले निकालिए तो 35/100 कट जाएंगे तो 105 आएगा। अब इस 105 कार्य को किससे कराना है तो ए और सी से कराना है, तो ए और सी की क्षमता 4, 3, 7 आएगी। 105 में 7 का डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 15 आ जाएगा। गाड़ियां बहुत निकलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों इस कार्य को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 28 दिनों में करते हैं, शेष कार्य सी कितने दिनों में करेगा। सिंपल है, ए बी सी की क्षमता 7:5:4 दी गई है। ठीक है, अब हमें कुल कार्य के लिए हमको कुल क्षमता इंटू कुल समय चाहिए। तो हम देखते हैं कि कुल समय किसका दिया गया है। तो कह रहे हैं तीनों उस कार्य को 35 दिन में कर रहे हैं, तो हमको तीनों की क्षमता लेनी है। 7, 5, 12, 4, 16 गुणा करेंगे 560 आएगा, ये कुल कार्य हो गया। कह रहे हैं ए और बी मिलकर के उस कार्य को 28 दिनों में करते हैं। तो भाई अगर ए और बी को हम 28 दिन काम कराएंगे तो उनकी क्षमता कितनी है, 7, 5, 12, 12 × 28 = 336 काम हो जाएगा। 560 काम में से 336 काम हो गया तो बचा 224 काम। अब इस 224 काम को किससे कराना है, सी से कराना है। सी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 से गुणा करोगे 56 दिन। तो कुल मिला के बचे हुए काम को सी कितने दिनों में कर लेगा, 56 दिनों में कर लेगा। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे इसलिए थोड़ा सा समय शायद ज़्यादा लग गया हो वीडियो बनने में आपका। हाँ, समय ज़्यादा लग गया है, 21 मिनट हो गए हैं, लेकिन 21 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वाले किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 36 नंबर से लेकर 45 नंबर तक। पूरा टाइम एंड वर्क आपका 8 से 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके हर एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।